बच्चे अज आप बायोमोलीक्यूल्स के कंटिन्यू करांगे। लास्ट ही आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़िया ही कार्बोहाइड्रेट्स अज आप देखते हैं क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्लासीफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट नू आपा किन्ने किन्ने टाइप्स विच क्लासीफाई कर सकते हैं वंडना वा पैनू। फस्ट आपा क्लासीफिकेशन करनी आ ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज क्लासीफिकेशन करांगे ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज ये अग्यों होनी आ तीन तरह की ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज अग्यों होगी तीन तरह की एक होंगे मोनोसैकराइड एक होंगे ओलीगोसैकराइड एक होंगे पोलीसैकराइड एक होंगे मोनोसैकराइड एक होंगे ओलीगोसैकराइड ओलीगोसैकराइड एक होंगे पोलीसैकराइड। ठीक है ये आप डिटेल ना पढ़ांगे क्लासीफिकेशन उस तो बाद जो ये कंप्लीट होगी सैकेंड आप करनी आ ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एक होंगे शूगर एक होंगे नॉन शूगर फिर आप पढ़ना वा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एक होंगे शूगर ते एक होंगे नॉन शूगर ये आपां इन्नी डिटेल ना नहीं पढ़ना। मैं तुहानू कहा इनू कन्फ्यूजिंग चैप्टर नहीं बनाउणा पी इह आपां सारा कुछ ही मतलब सारा कुछ ही निक्कियां मोटियां चीज़ां भी वाड़ी जाइए आपां फिर सिर्फ 4 मार्क्स तक लिमिटेड रहना इहदे विच सिर्फ। ठीक है उस तों बाद थर्ड थर्ड अपने कोल आ जाणा वा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर एक होंगे रिड्यूसिंग नेचर दे एक होंगे नॉन रिड्यूसिंग नेचर दे एक रिड्यूसिंग होंगे एक होंगे नॉन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है ये तो अपनिया तीन क्लासीफिकेशन आ हुण आपां पहली स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज। फस्ट साड़ी आ जाती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज पहले ये तिन्ने लिख लियो साड़ी फस्ट क्लासीफिकेशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज इहदे अंडर आपां किहड़े किहड़े कहे ही मोनोसैकराइड ओलीगोसैकराइड ते पोलीसैकराइड पहले आ गए मोनोसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स मोनोसैकराइड होंदे जे सब तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंपलैक्स नहीं सब तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हां नूं आपां हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते भी जिन्हां च आपां वाटर ऐड करके उन्हां नूं अग्गे तोड़ नहीं सकते जिद्दां आपां कह सकते हाँ दे आर दा सिंपलैसट कार्बोहाइड्रेट्स दे आर दा सिंपलैसट कार्बोहाइड्रेट्स and they can't be hydrolyzed hydrolyzed देखो इन्हां दी एग्जाम्पल फिर मैं हाइड्रोलाइज का मीनिंग भी दस दिना एग्जाम्पल आ गई ग्लूकोज ग्लूकोज का फार्मूला की हुंदा C6H12O6 एग्जाम्पल आ गई फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रूट शूगर हुंदी एदा एग्जाम्पल एदा फार्मूला भी सेम C6H12O6। ठीक है ग्लूकोज हो गया
फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, राइबोज भी होगा। मैं तुहानू डीऑक्सीराइबोज ते राइबोज विच फर्क दस्या है ना। राइबोज दे विच की हुंदा C6H10O5 ते डीऑक्सीराइबोज दे विच इत्थे किन्ने हो जांदे ने 4। ठीक है, इत्थे होर याद रख लियो, इन वन यूनिट इट कंटेन 3 to 7 कार्बनस। इत्थे नोट दे अंडर दस दिना, इन वन यूनिट इट कंटेन 3 to 4 कार्बनस। जिदा एक यूनिट विच इहदे च 3 to 4 तक मिनीमम कार्बन हो सकदे ने, 7 तक, क्योंकि आ वेखो इत्थे 6 आउंदा पिया ना, 6 भी हो सकदे, 5 भी हो सकदे, मिनीमम 3 होणगे ते मैक्सीमम किन्ने होणगे 7। एक ये गल नोट दे अंडर याद रखियो। होर इत्थे दिमाग च की रखण वाला वा भी नेचर दे विच टोटल 20 हुंदे जी। नोट नंबर 2 की कहिंदा वा, नैचुरली टोटल 20 मोनोसैकराइड, जिदा मैं 3 लिखे ना, टोटल 20 हुंदे आ, टोटल 20 मोनोसैकराइड्स आर प्रेजेंट, मोनोसैकराइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये अपना केड़ी चीज़ हो गई आ। हाइड्रोलिसिस का मतलब देखियो अगे क्लीयर हो जाना दूजी क्लासीफिकेशन च, मैं इतने नोट के अंडर इनू फिर ना ही लिखा। मोनोसैकराइड साडा कवर हो गया, सब तो सिंपलैसट कार्बोहाइड्रेट, मतलब ए हाइड्रोलाइस का मतलब है जिस पानी पाओगे अगे नहीं टुटते, ये सब तो छोटा यूनिट है, अगे नहीं टुटूगा, नवा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाऊंगा। कुछ एग्जाम्पल याद रख लियो, तो एक गल याद रख लो, मिनीमम 3 ते मैक्सीमम 7 कार्बन होंदे आ इन्हां दे विच, ते टोटल नेचर दे विच 20 प्रेजेंट होंदे। ए मोनो खत्म होया, उस तो बाद आपां करदे आ सैकेंड वाला। सैकेंड साडा हैगा वा ओलीगोसैकराइड्स, सैकेंड क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज की आ गई ओलीगोसैकराइड्स। सेकेंड क्लासीफिकेशन आ गई ओलीगोसैकराइड्स। ओलीगो का मतलब हुंदा फ्यू, फ्यू इहदे विच आपां कह जिदा उत्थे कहा है ना, दे आर सिंपलैसट कार्बोहाइड्रेट, भी उहदे विच होर कोई हुंदा ही नहीं एक्सट्रा, भी जिदा जे उहनूं हाइड्रोलाइज भी करदे कुछ लभदा ही नहीं। इहदे विच 2 to 10 यूनिट हुंदे जे सैकराइड दे। ठीक है, आपां कह सकदे हां 2 to 10 यूनिट ऑफ सैकराइड्स आर प्रेजेंट, इन विच 2 to 10 यूनिट्स ऑफ सैकराइड्स आर प्रेजेंट। 2 to 10 तक प्रेजेंट हो सकते ने, जिदा मान लो जिदे 2 यूनिट प्रेजेंट आ, जिदा मैं एग्जाम्पल दवा, एग्जाम्पल C12H22O11, इनू आपां की बोलते हैं सुक्रोज। जेकर मैं इहदे विच वाटर दी अडिशन करा, इहदे विचों 2 सैकराइड निकलने ने, केड़े केड़े C6H12O6 C6H12O6। एक नू मैं कहूँगा ग्लूकोज, एक नू मैं कहूँगा फ्रुक्टोज। वेखो बैलेंस या, कार्बन 12 6 to 6 12 हो गए, हाइड्रोजन 22 to 24 हाइड्रोजन 12 to 12 24 हो गए, ऑक्सीजन किन्ने 11 to 12 6 to 6 12 हो गए। कहण दा मतलब की आ, इहदे विच किन्ने सैकराइड यूनिट है गए ही 2। आपां कहा ना 2 to 10 कित्थों तक हो सकते ने 10 तक, ते ये हाइड्रोलिसिस भी तुहानूं इत्थे क्लीयर हो गया ना। आपां पिछले क्लासीफिकेशन च किया ही भी इन्हां दी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, इन्हां नूं अगे नहीं तोड़ सकते, इनू तो तोड़ सकते ना, क्योंकि इहदे विच होर सैकराइड यूनिट हैगे ने, तां करके इहदा नाम की आ ओलीगो। ओलीगो दा मतलब हुंदा फ्यू, ओलीगो दा मतलब हुंदा फ्यू। हुण याद रख लियो, जिहदे विच 2 यूनिट होण उहनूं आपां की कहीदा वा बाई डाईसैकराइड,
उन्हूं आपां की बोलांगे डाईसैकराइड, डाईसैकराइड। ओलिगो की जगह पर डाई आजूगा, जिहदे विच तीन होण, तीन यूनिट होण, उन्हूं आपां की बोलांगे ट्राईसैकराइड। जिहदे विच चार होण, चार यूनिट होण, उन्हूं आपां टैट्रासैकराइड बोल दांगे। ठीक है, इस तरह ते अठ होण ऑक्टासैकराइड बोल दांगे। इदां ही इन्हें चली जाना। हुण सुक्रोस बारे तुहानूं मैं दसदा, सुक्रोस विच किहड़ा किहड़ा हुंदा, ग्लूकोज ते फ्रुक्टोज। इस तरह होर एग्जाम्पल भी इहदियां याद रख लिओ, ओलिगो दियां एग्जाम्पल्स होर भी याद रख लिओ। माल्टोज कह दिओ एक, माल्टोज भी ओलिगोसैकराइड आ। होर आपां कह सकते हाँ लैक्टोज, मिल्क दे विच जिहड़ी शूगर हुंदी लैक्टोज, ये भी किहड़ा सैकराइड आ, ओलिगोसैकराइड। इत्थे अपनी दूजी क्लासीफिकेशन भी हो गई ओलिगोसैकराइड। नैक्सट देखते हैं आपां थर्ड क्लासीफिकेशन साडी। थर्ड क्लासीफिकेशन हैगी पोलीसैकराइड। थर्ड क्लासीफिकेशन साड़ी लास्ट आ गई ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज, पोलीसैकराइड। पहले सब तो सिंपल ही दूजे दो तो लैके दस तक यूनिट देंदे ही, तो ये तो मैनी यूनिट आ, सौ तो लैके 3000 तक आप कह सकते हैं मैनी यूनिट ऑफ, इट कंटेन मैनी यूनिट ऑफ सैकराइड्स, इट कंटेन मैनी यूनिट ऑफ सैकराइड्स। जिदा मैं फार्मूला लिखा C6H10O5, C6H10O5 ते पैर दे विच N पा दा, आ जेड़ा N आ ए 100 तो लैके कितों तक हो सकता 3000 तक, आ इहदा जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, ते इहदियां एग्जाम्पल याद रख लियो। एग्जाम्पल इहदी एग्जाम्पल हैगी आ स्टार्च, जिहड़ा पटाटो विच हुंदा, फ्लोर आटे विच हुंदा, सैलूलोस, सैलूलोस, सैलूलोस। ठीक है, एग्जाम्पल्स इहदियां याद रखियो। हुण उस तों बाद आ गया लास्ट, अगली क्लासीफिकेशन। एक क्लासीफिकेशन हो गई अपनी ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज, हुण आपां करांगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। एहो मेन याद रखियो फिलहाल, तो पोलीसैकराइड, मोनोसैकराइड, तो सॉरी किहड़े किहड़े ही, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, तो पोलीसैकराइड। हुण आपां करदे हां ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सैकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, किन्ने तरह के आ टेस्ट के बेसिस से? ये दो तरह के, एक होंगे आ शूगर, एक होंगे नॉन शूगर। एक होंगे शूगर, जिन्ना ये दसण की लोड़ ही नहीं, शूगर का स्वीट टेस्ट होया करूगा। एक होंगे नॉन शूगर, जेडे टेस्टलैस होंगे नॉन शूगर। हुण जिहड़े ते हैगे शूगर, इन्हां विच मैं तुहानूं कहा सी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना आ जिहड़ा टेस्ट वाला ते रिड्यूसिंग नेचर वाला। जिहड़े ते हैगे आ शूगर, इन्हां विच याद रखना पहला स्वीट इन टेस्ट, पहली गल स्वीट इन टेस्ट, भी ये खाण दे विच इस इन्हां दा टेस्ट किद्दां दा हुंदा, मिठा टेस्ट हुंदा, स्वीट टेस्ट हुंदा, ते दूजे आपां कह सकदे नॉट स्वीट इन टेस्ट जां टेस्टलैस, नॉट स्वीट इन टेस्ट जां आपां कह दांगे टेस्टलैस। एक तो इन्हां च फर्क ये चीज़ पा दिंदी आ। उस तो बाद ये किहड़े हुंदे ने, किहड़े ने ओलिगो हुंदे जां किहड़े हुंदे, इत्थे याद रखना तुसीं जिन्ने भी मोनोसैकराइड आ ते ओलिगोसैकराइड आ उह सारे शूगर नेचर दे हुंदे। एग्जाम्पल दे विच जिन्ने भी मोनोसैकराइड,
मोनोसैकराइड की तुम एग्जाम्पल देखी ही ना, ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये शूगर नेचर दे ने, जां जिन्ने भी है गया ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड माल्टोज वगैरह आपां देखे, सुक्रोज वगैरह हो गया, ये सारे किहड़े नेचर दे ने, शूगर नेचर दे। याद रख लियो मोनोसैकराइड ते ओलिगोसैकराइड किहड़ी कैटेगरी विच आउंदे, शूगर वाली कैटेगरी विच आउंदे। ते दूजे बन्ने आपां की दिमाग च रखना वा, जिन्ने भी हैगे आ पोलीसैकराइड्स, एग्जाम्पल दे विच आपां की याद रखना, जिन्ने भी हैगे आ पोलीसैकराइड्स, पोलीसैकराइड्स वह किहड़े नेचर दे हुंदे आ, नॉन शूगर नेचर दे। ठीक है, ये दो चीज़ां क्लीयर हो जाण। होर आपां कह सकते हैं आ पानी विच घुल जांदे ने, इन्हां बारे याद रख लियो, सोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन वाटर। ते आ जेड़े आ ये पानी विच नहीं घुलदे, अनसोलेबल इन वाटर, अनसोलेबल जां नॉट सोलेबल इन वाटर, पानी विच ये नहीं घुलणगे। ठीक है, इन्हां बारे इन्ना इन्ना याद रखना, इनसोलेबल इन वाटर ते आ सोलेबल इन वाटर। ते जे थोड़ा को होर मैं इहदे बारे दस दिना, ये अमोरफस नेचर दे हुंदे, अमोरफस सॉलिड दी टाइप हुंदी आ, जिदा आपां कह लिए इन्हां दा देखण दे विच पाउडर लाइक हुंदे जी, अमोरफस नेचर दे होणगे। ठीक है, दूजी क्लासीफिकेशन भी होगी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। हुण आपां करदे आ ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। थर्ड क्लासीफिकेशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। इथे तुहानू दो वर्ड मैं दसने, टॉलनरी एजेंट ते फैलिंग सल्यूशन। फिलहाल तुहानू वो क्लीयर नहीं होने, वो अगे जाके साडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच आपां देखांगे, अल्कोहल फिनोल ईथर हैलोलकेन हैलोअरीन वाले चैप्टरस विच। फिलहाल वो वर्ड जेडे आ वैसे दिमाग च बिठा लियो, ये की करदे आ कुछ हुंदे जेडे रिड्यूस कर देंदे टॉलनरी एजेंट नूं, ते कुछ हुंदे जेडे जिदा ऑक्सीडाइज ते रिड्यूस, ते तुहानूं क्लीयर ही है ना, टॉलनरी एजेंट एक सिल्वर साल्ट हुंदा, एक सल्यूशन जिहा ही हुंदा वा, कुछ रिड्यूस कर देंदे आ किनू टॉलनरी एजेंट नूं, कुछ रिड्यूस नहीं करते। जेडे रिड्यूस कर देंदे आ उहनां नूं आपां कहांगे रिड्यूसिंग नेचर दे, ते जेडे दूजे होणगे नॉन रिड्यूसिंग नेचर दे। एक अपने को केड़ी कैटेगरी हैगी आ, रिड्यूसिंग वाली, रिड्यूसिंग वाली। एक अपने कोल केड़ी कैटेगरी हैगी आ, नॉन रिड्यूसिंग वाली, नॉन रिड्यूसिंग वाली। देखो रिड्यूसिंग दे विच आपां की कह सकते हैं, विच रिड्यूस टॉलनरी एजेंट एंड फैलिंग सल्यूशन। रिड्यूसिंग नेचर वाले किनू रिड्यूस करते हैं, विच रिड्यूसिस टॉलन्स, सिल्वर नाइट्रेट का एक सल्यूशन हुंदा है टॉलन्स रीएजेंट, रीएजेंट रिएक्टेंट ही हुंदा वा, एंड फैलिंग सल्यूशन, आ भी ब्लू कलर का सल्यूशन हुंदा फैलिंग्स सल्यूशन, इन्हां नूं रिड्यूस कर देंदे आ। ते इधर सेम आ जाणा विच डू नॉट रिड्यूस, विच डू नॉट रिड्यूस टॉलन्स रीएजेंट, टॉलन्स रीएजेंट एंड फैलिंग सल्यूशन, फैलिंग सल्यूशन। हुण आपां इधर एग्जाम्पलां देख लैने किहड़े किहड़े हुंदे आ, ये एग्जाम्पलां विच जिहड़े ते हैगे रिड्यूसिंग नेचर दे, उधर एग्जाम्पल आपां लिख सकदे आ मोनोसैकराइड दी, दूजे बन्ने ओलिगो ते पोलीसैकराइड दी। रिड्यूसिंग नेचर वाल एग्जाम्पल लिख लियो मोनोसैकराइड दी, मोनोसैकराइड जिवें ग्लूकोज हो गया, ते दूजे बन्ने एग्जाम्पल लिख लियो ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड जिवें सुक्रोज हो गया, ते पोलीसैकराइड जिवें स्टार्च हो गया। पोलीसैकराइड वाला आपां लिख लिया स्टार्च,
ओलीगोसैकराइडल आप लिख लिया सुक्रोस, तो मोनोसैकराइडल आप की लिख लिया ग्लूकोज। ठीक है, इत्थे अपनी क्लासीफिकेशन खत्म हुई। उस तो बाद नैक्सट नैक्सट आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नैक्सट आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नैक्सट साडा हैडिंग आ गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हुण हो चैप्टर की इंपोर्टेंस वधी जानी आ। पहली गल कार्बोहाइड्रेट्स जेडे आ उन्हां दियां एग्जाम्पल जिद्दां आपां कहीए कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड भी हैगे ना जिहदे विच तीन तो लैके सत्त यूनिट हुंदे ही। कार्बोहाइड्रेट जेडे आ उह मोनोसैकराइड तों आपां स्टार्ट करदे आ। मोनोसैकराइड्स भी ही मोनोसैकराइड्स बारे आपां की देखिया ही इहदे विच किन्ने कार्बन एटम होने ही 3 to 7 कार्बन एटम्स ते जां इन्हां दे विच एल्डिहाइड ग्रुप होना एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगा होना जां इन्हां दे विच कीटोन ग्रुप होना। जे एल्डिहाइड आ ते एल्डोज बोलांगे, जे कीटोन ग्रुप आ ते कीटोज बोलिया करांगे आपां नाम दे नाल। जे एल्डिहाइड आ ते आपां एल्डोज बोलांगे, जे कीटोन ग्रुप आ ते आपां की बोलिया करांगे कीटोस। पहली गल तो ये याद रखनी। उस तो बाद जिद्दां मैं कोई एग्जाम्पल लैंदा वा एल्टो ट्राईओज वेखियो इत्थे एग्जाम्पल मैं लिखदा किसी कार्बोहाइड्रेट की, मैं इत्थे लिखदा एल्टो ट्राईओस। एल्डो ट्राईओस बनिया किहदे तो आ जिद्दा इहदे विच एल्डिहाइड ग्रुप होना ते मेन किन्ने कार्बन होने 3 मेन किन्ने कार्बन होने 3 आपां कहा ना 3 तो लैके कित्थों तक हो सकदे 7 तक। जिद्दा आ वेखियो एक कार्बन दूजा कार्बन ते तीजा कार्बन 3 कार्बन हो गए एल्डिहाइड। वेखो ट्राई तो क्लीयर हो गया एल्डिहाइड ये की लगा ना CH ते O CHO लाता एंड तो ये आ चीज़ होनी होनी हर एक तकरीबन हैगा CH2OH। हुण आपां की करना एक बन्ने OH ला देना एक बन्ने की ला देना H। ये एल्डो ट्राई उसका फार्मूला बन गया स्ट्रक्चर बन गया साडा। हुण इत्थे देखियो मैं तुहानू एक गल कही ही कायरल कायरल मैं लास्ट वीडियो दे विच वर्ड वरत्या ही कायरल। कायरल ओ कार्बन हुंदा वा जिहदे आले दुआले 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुंदे। हुण आ वेखियो आ कार्बन इहदे इधर लगा CHO इधर लगा CH2OH इधर लगा OH ते इधर लगा H चारे वक्रे वक्रे हैगे। फिर ये उपर आप स्टार मार्क कर देईदा ये केड़ा कार्बन हुंदा कायरल कार्बन। इनू आप बोलीदा केड़ा कार्बन कायरल कार्बन। ठीक है, ते होर की याद रखना जेकर ये कायरल कार्बन दे इधरले बन्ने OH लगा राइट आले बन्ने ते फिर तुही की लिखना डी कन्फिगरेशन। हौली हौली क्लीयर होगा डी कन्फिगरेशन ते ना दे विच इदां लिखना डी प्लस पा के अगे जो भी हैगा इहदा नाम डी प्लस ते इहदा होर नाम की हुंदा ग्लिसरल डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड। इहदा दूसरा नाम जे देखो एक केड़ी कैटेगरी दा वा एक ते च 3 कार्बन ते ट्राईओज लग गया एल्डिहाइड या ते एल्डो लग गया पर इहदा होर नाम की हुंदा ग्लिसरल एल्डिहाइड। ते ग्लिसरल दे अगे डी प्लस क्यों लगा वा इच कायरल कार्बन हैगा कायरल कार्बन दे जेकर सज्जे बन्ने OH लगा ते डी प्लस लाउणा जे खब्बे बन्ने लगा ते फिर माइनस वगैरह आपां लावांगे। ठीक है, अगे अगे स्ट्रक्चर आपां कवर करने आ। अज ते अपना एक ए हो गया एक आपां करदे कीटोन दा एल्डो ट्राईओज दा हो गया कीटोन दा। देखियो
कीटोन वालिया जिन्ना च हैगा उन्होंने कीटोस बोलिया करना। फिर तीन कार्बन एक दो ते तीन ट्राइओस पर हुण हैगा जे कीटो ट्राइओस। ट्राई का मतलब किन्ने कार्बन तीन, कीटो का मतलब कीटोन। तो कीटोन कभी भी कंडियां ते नहीं लगता, ये टर्मीनल ग्रुप नहीं हुंदा, नॉन टर्मीनल हुंदा। इनू आपां किते अंदर ला सकते हैं, भावें दूजे ते लाओ, जे होर कार्बन हैगा भावें उहदे ते लाओ, कभी कंडियां ते नहीं लाउणा। फिर इधरले बन्ने भी सी एच टू ओ एच, इधरले बन्ने भी की आ जाना सी एच टू ओ एच। ठीक है, इनू आपां कहना जे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इहदा नाम। ये कीटोन लगा ना तो करके कीटो ट्राइओस की कैटेगरी में रखा, पर यह नाम हों डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, एसीटोन डाईहाइड्रोक्सी आ दो ओ एच का करके आया, तो एसीटोन यदा दूजा नाम लिखा वा कॉमन। ठीक है, जे तीन कार्बन हो आप एसेट वर्ड वरती दा एसीटोन बन गया। अज लई इना क देखियो, फिर आप फोकस करांगे ग्लूकोज ते। ठीक है, अज लई इन्ना की देखियो, आपां अज की पढ़िया वा सिंपल क्लासीफिकेशन, तीन टाइप आ ऑन द बेसिस ऑफ मोलीक्यूलर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ते ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो फिर आपां पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो तुहानूं मैं कहा दो नाँ याद रखने, एक एल्डोस एक कीटोस। ठीक है, नैक्सट वीडियो दे विच बड़ा इंपोर्टेंट चीज़ है ग्लूकोज बारे समझाऊंगा, जो एग्जाम दे विच पुछदे ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू।